स्वागत है आपका उर्सा विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबर देखने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मिशन 2019, गांव-गांव जाएंगे बीजेपी सांसद, देंगे सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। जीएसटी परिषद का फैसला, डिजिटल भुगतान से जीएसटी में 20% की छूट, जाने कितना मिलेगा कैशबैक। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण दूसरी बार टला, चौथे स्थान के लिए भारत और इजराइल में है रेस, जाने पहले 3 में कौन कौन है शामिल। जाने क्या है अनुच्छेद 35A, क्यों हो रहा है इसका विरोध। वाराणसी इलाहाबाद में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, बाढ़ की आशंका। कप्तान रूट ने इंग्लैंड को जिताने वाले सैम करन की तारीफ में कही ये बातें। मुजफ्फरपुर कांड में जंतर मंतर पर बोले राहुल गांधी, हम देश की महिलाओं के साथ खड़े हैं। अब खबर विस्तार से। सांसद के मानसून सत्र के बाद भाजपा सांसदों के लिए एजेंडा तय कर दिया गया है। सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में गांव-गांव तक जाकर केंद्रीय योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी जनता को देनी होगी, साथ ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी देनी होगी ताकि केंद्रीय नेतृत्व पर उनकी नजर रह सके। भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम ऐप और USSD के माध्यम से भुगतान पर GST में 20% छूट देने का फैसला किया है। GST परिषद की शनिवार को हुई बैठक में फैसले पर मुहर लगी। यह छूट कैशबैक के रुपए में मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 100 रुपए होगी। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण दूसरी बार टल गया है। अक्टूबर 2018 में तय प्रक्षेपण अब संभवतः 2019 में होगी। इस देरी के कारण चांद की सतह पर पहुंचने में इजराइल के साथ दौर में भारत पिछड़ सकता है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने शनिवार को कहा है कि पार्टी संविधान के अनुच्छेद 35A पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके तहत राज्य में स्थानीय निवासियों को विशेष दर्जा हासिल है। इस प्रावधान को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त को सुनवाई होने वाली है और इसके खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से देश भर में हो रही लगातार बारिश के चलते दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली की यमुना नदी में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश की वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान पर आ गई है। इंग्लैंड ने कप्तान जोए रूट ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के बाद युवा तेज गेंदबाज सैम कुरेन की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक उभरते हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। कुरेन ने मैच की दूसरी पारी में 65 गेंदों में 9 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए और इंग्लैंड को 180 के स्कोर तक पहुँचाया। उन्होंने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की और कुल 5 विकेट लिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह के विरोध में RJD नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी के धरना प्रदर्शन में शामिल होने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। खबरों को समाप्त करने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मिशन 2019, गांव-गांव जाएंगे बीजेपी सांसद, देंगे सरकार की उपलब्धियों की जानकारी। जीएसटी परिषद का फैसला, डिजिटल भुगतान से जीएसटी में 20% की छूट, जाने कितना मिलेगा कैशबैक। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण दूसरी बार टला, चौथे स्थान के लिए भारत और इजराइल में है रेस, जाने पहले 3 में कौन कौन है शामिल। जाने क्या है अनुच्छेद 35A, क्यों हो रहा है इसका विरोध। वाराणसी इलाहाबाद में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, बाढ़ की आशंका। कप्तान रूट ने इंग्लैंड को जिताने वाले सैम करन की तारीफ में कही ये बातें।
मुजफ्फरपुर कांड में जंतर मंतर पर बोले राहुल गांधी, हम देश की महिलाओं के साथ खड़े हैं। समाचार को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।